सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंपेयर करके बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी M32 5G और सैमसंग गैलेक्सी M42 5G के बीच में। ये सैमसंग के दो 5G स्मार्टफोन्स है और इन दोनों फ़ोन की प्राइसिंग में आप लोगों को ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में एक ही कन्फ्यूजन है कि उनको कौन सा स्मार्टफोन यहाँ पर बाय करना चाहिए, क्या थोड़ा कम दाम दे के सैमसंग गैलेक्सी M32 5G लेना चाहिए या फिर दो हज़ार रुपया ऐड करके सैमसंग गैलेक्सी M42 5G लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी बारे में बताऊँगा कि कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट यहाँ पर होने वाला है। अगर मैं बात करूँ दोनों स्मार्टफोन के बारे में तो दोनों स्मार्टफोन एक रीब्रांडेड स्मार्टफोन इसे आप लोग बोल सकते हैं क्योंकि बाहर के कंट्रीज में अलग अलग नाम से लॉन्च किया गया था लेकिन इंडिया में उसे अलग नाम से लॉन्च किया गया। अब बात करते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेहतर होगा और किस स्मार्टफोन की प्राइसिंग यहाँ पर क्या सैमसंग ने रखा है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में तो सैमसंग गैलेक्सी M32 5G आप लोगों को 6GB 128GB मिलेगा 21,000 रुपीस में और 8GB 128GB आप लोगों को मिलेगा 23,000 रुपीस में। जबकि M42 5G की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को जो 6GB 128GB है ये मिलेगा 22,000 रुपीस में और जो 8GB 128GB है ये आप लोगों को 24,000 रुपीस में मिलने वाला है। तो क्या आप लोगों को मतलब 22,000 और 24,000 में M42 लेना चाहिए या फिर 21,000 और 23,000 रुपीस में M32 5G लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं स्पेस के बारे में तो दोनों ही स्मार्टफोन का जो लुक है फ्रंट साइड से आपको ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा लेकिन पीछे से आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट यहाँ पर पता चल सकता है। M32 5G में आप लोगों को मिलता है 6.5 इंचेस का इन्फिनिटी वी शेप में TFT डिस्प्ले जो कि HD+ रेजोल्यूशन के साथ आता है। तो 21,000 रुपीस का स्मार्टफोन में आज के टाइम में ना तो आपको फुल HD मिल रहा है ना सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है। तो M32 5G अच्छा है, 5G का सपोर्ट दे रहा है लेकिन एटलीस्ट प्रोसेसर को छोड़ के बाकी चीज़ों के ऊपर भी सैमसंग को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए था। और बात करते हैं सैमसंग के M42 5G की तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6.6 इंचेस का HD+ सुपर AMOLED डिस्प्ले। अब अगर मैं दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले के ऊपर कंपेयर करूँ तो मुझे नो डाउट सैमसंग का M42 का डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि दोनों ही डिस्प्ले HD+ है, दोनों में आपको फुल HD का सपोर्ट नहीं मिलता है लेकिन M42 5G में आप लोगों को सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलता है। और आप लोगों को पता है कि सुपर AMOLED डिस्प्ले की कलर और जो उसकी कॉन्ट्रास्ट रहता है वो कितना यहाँ पर अच्छा रहता है। तो नो डाउट सैमसंग के M42 का डिस्प्ले ज़्यादा बेहतर है। बात करते हैं प्रोसेसिंग पावर के तो M32 5G में आप लोगों को मीडियाटेक का डायमेंसिटी 720 का SoC मिलता है जो कि काफ़ी पावरफुल SoC है और M42 5G में आप लोगों को मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 750G। अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मीडियाटेक के प्रोसेसर अच्छे होते हैं लेकिन क्वालकॉम की बात ही यहाँ पर अलग है और मैं किसी भी दिन सिर्फ क्वालकॉम के प्रोसेसर की तरफ जा सकता हूँ। प्रोसेसर दोनों ही फ़ोन का ठीक है लेकिन मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे क्वालकॉम के प्रोसेसर ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैं यहाँ पर क्वालकॉम के प्रोसेसर की तरफ जाऊँगा। आपका जो भी डिपेंड है आप वहाँ पर देख सकते हैं। दोनों ही फ़ोन 6GB 128GB और 8GB 128GB के साथ आते हैं। बैक साइड में दोनों स्मार्टफोन में 48MP का कैमरा का सेटअप मिलता है और सेल्फी में M32 5G में आप लोगों को 13MP मिलता है जबकि M42 में आप लोगों को 20MP का मिलता है। और एक बात मैं सच बोलूँ, जब डिस्प्ले अच्छा रहेगा ना जैसे कि सुपर AMOLED डिस्प्ले है तो आपका जो फोटो की क्वालिटी है वो सुपर AMOLED डिस्प्ले में देखने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो डिस्प्ले के ऊपर ही पूरा खेल यहाँ पर डिपेंड करता है। सैमसंग के M32 5G में साइड फिंगरप्रिंट मिलता है और M42 में आप लोगों को इन डिस्प्ले मिलता है। तो नो डाउट M42 एक मॉडर्न लगता है, एक नया डिज़ाइन लगता है और अभी M42 और बाकी स्मार्टफोन भी इन डिस्प्ले मिलते हैं तो इन डिस्प्ले एटलीस्ट ज़्यादा यहाँ पर ठीक है। दोनों फ़ोन में 5000mAh का बैटरी है और दोनों फ़ोन में 15W का चार्जर है। ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लुक थोड़ा डिफरेंट है लेकिन हाँ प्राइसिंग भी थोड़ा 1-2 हज़ार का डिफरेंट है। मैं बोलूँगा कि अगर आप लोग M42 तक जा सकते हैं तो आप लोग उसी को बाय कीजिए क्योंकि डिस्प्ले अच्छा है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, सामने का कैमरा ज़्यादा अच्छा है और प्रोसेसर उसमें आपको क्वालकॉम का प्रोसेसर मिल जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग M42 प्राइसिंग में ज़्यादा ले रहा है लेकिन हाँ कुछ फीचर्स भी है जो सैमसंग के M42 में आप लोगों को मिल रहा है। मेरे ख्याल से M42 5G आप लोगों को परचेस करना चाहिए। M32 भी अपने प्राइसिंग के हिसाब से ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप लोग 21,000 तक जा सकते हैं तो और 1,000 मिला के 22,000 में आप लोग उसी स्मार्टफोन को परचेस कर लीजिए M42 को। तो आप लोगों को इन दोनों ही स्मार्टफोन में कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।